डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी दैट आई एम गिविंग यू लेट वीडियो. ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट योर वर्क ऑफ इंग्लिश. चैप्टर है आपका, लास्ट चैप्टर है मैरीगोल्ड का, पिनोक्चियो. चैप्टर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, पहले हम वर्क करा रहे हैं क्योंकि वर्क टाइम बचा नहीं है. तो पहले लेट स्टार्ट योर वर्क. ओके, एक्सप्लेन की वीडियो में भेज दूंगी, ठीक है, टेंशन मत लेना. अब हम चैप्टर हमारा है पिनोक्चियो. इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हमारा चैप्टर, आपको पता है एक चैप्टर ये आ रहा है हमारा, ठीक है. सो ये चैप्टर आपने कर लिया है कॉपी में, ये आ रहा है आपका. और आपका चैप्टर आ रहा है, चैप्टर आपका आ रहा है गिविंग ट्री. क्लियर, चैप्टर आपका ये आ रहा है. एक चैप्टर हो गया बुक वाला चैप्टर हो गया, और लास्ट चैप्टर जो आज हम कर रहे हैं वो मैरीगोल्ड में. ये तीन चैप्टर आ रहे हैं हमारे. बाकी जो ग्रामर का चैप्टर आ रहा है वो कराएंगे हम, और मंडे को सारा वो चीज़ कम्प्लीट करा देंगे, ठीक है. आई नो बहुत सारा काम है करने के लिए अभी, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले है हमारे वर्ड्स मीनिंग. पहला वर्ड है हमारा नॉटी. नॉटी का मतलब होता है डिसओबीडिएंट, मतलब जो बच्चे शरारत करते हैं, बात नहीं मानते हैं, वही तो होते हैं ना नॉटी. यस. नंबर टू है फाउंड. फाउंड का मतलब होता है टू डिस्कवर, किसी की खोज करना. नंबर थ्री है ग्राउंड. ग्राउंड का मतलब होता है द सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको बोलते हैं हम ग्राउंड. नाउ नंबर फोर्थ है मैरी. मैरी का मतलब होता है चेयरफुल एंड लिवली, खूब खुश वाला इंसान, खुश है बहुत वो. नंबर फाइव है चेरी. चेरी का मतलब होता है अ स्मॉल डार्क रेड फ्रूट, छोटा सा रेड कलर का फ्रूट होता है, उसको बोलते हैं हम चेरी. खाई सब चेरी, ऑफकोर्स खाई होगी. नंबर सिक्स है वुडन. वुडन का मतलब होता है कि मेड ऑफ अ वुड, कोई ऐसी चीज जो लकड़ी की बनी हो. नंबर सेवन है कारपेंटर. अ पर्सन हु मेक्स और रिपेयर्स वुडन ऑब्जेक्ट, जो इंसान क्या करता है, लकड़ी का सामान बनाता है और उसको रिपेयर करता है, उसको बोलते हैं कारपेंटर. नंबर एट है क्वीर. क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज और ऑड, स्ट्रेंज अजीब सा और ऑड, उसको बोलते हैं क्वीर. अब नंबर नाइन है प्लेन. प्लेन का मतलब होता है कम्प्लीटली फ्लैट, प्लेन, ठीक है. नंबर टेन हो गया हमारे पजल. अनेबल टू अंडरस्टैंड, मतलब कोई चीज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको बोलेंगे इट्स पजल, आई एम पजल्ड. ओके, नंबर 11 है अमेज. अमेज का मतलब सरप्राइज, आप किसी के बहुत सरप्राइज हो गए हैं, खुश हो गए हैं. नंबर 12 हो गया स्टिफ. स्टिफ का मतलब होता है रिजिड या स्ट्रॉन्ग. रिजिड होता है कोई चीज़ बहुत ही कठोर है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, उसको बोलेंगे स्टिफ. नंबर 13 हो गया फिनिश्ड, मीन्स टू ब्रिंग टू एन एंड, मतलब एंड. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे. तो आपके क्वेश्चन आंसर हैं 8 क्वेश्चन आंसर्स. लेट्स स्टार्ट राइटिंग. ओके, फर्स्ट है फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम. एक पोएम एक्सप्लेन नहीं करी मैंने, उसमें है एक बॉय होता है, उसको क्या होता है, वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, ठीक है. तो वही उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया है, ये चीज़ है, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर वन है फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम. नॉटी बॉय कहाँ से आया है. द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड. कहाँ से आया है, इंग्लैंड से, ठीक है. क्वेश्चन नंबर टू है वेयर डिड अ नॉटी बॉय गो. वो नॉटी बॉय कहाँ गया. द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड के लिए गया. नंबर थ्री है वाई डिड ही गो देयर, वो वहाँ पर क्यों गया. ही वेंट देयर टू सी इट्स पीपल, वहाँ के लोगों को देखने के लिए वो वहाँ पर गया. नंबर फोर है व्हाट डिड द बॉय वंडर अबाउट. बॉय को किसके बारे में बहुत वंडर हुआ, आश्चर्य हुआ. द बॉय वंडर्स अबाउट द हार्ड ग्राउंड, बहुत ही कठोर ग्राउंड था, मीन्स ग्राउंड फर्स, एंड लॉन्ग यार्ड्स ऑफ स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड की जो यार्ड्स थी, मतलब लगी होती है ना यार्ड्स. ही वॉज ऑल्सो अमेज टू सी द रेड चेरीज एंड हैवी लीड्स. चेरी को देखकर वो बहुत क्या हो गया, सरप्राइज हो गया. नाउ नंबर क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका व्हाट डिड द कारपेंटर बाय. कारपेंटर ने क्या खरीदा था. चैप्टर है जो इसका पिनोक्चियो वाला, उसमें एक पपेट होता है, लकड़ी का बनाता है कारपेंटर जो होता है, वो बनाता है, पपेट बनाता है, ठीक है. सो वो पपेट में क्या होता है, वो पपेट लकड़ी का, उसे लकड़ी मिलती है अजीब सी, ठीक है. वो उठाता है उसको, और वो कारपेंटर उसे बना देता है पपेट, मतलब लकड़ी का गुड्डा बना देता है. पर वो अपने आप ही ऑटोमेटिक, वो जादू ही होता है शायद, वो अपने आप बढ़ने लगता है, उसकी नाक बढ़ने लगती है, वो धीरे धीरे जब उसका मुँह बना देता है वो लकड़ी का, तो वो बोलने लगता है. उसी की कहानी है इसमें. क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डिड द कारपेंटर बाय. कारपेंटर ने क्या क्या खरीदा. द कारपेंटर बॉट अ वेरी ऑड पीस ऑफ वुड, बहुत ही अजीब सा है, उसने क्या खरीदा, एक लकड़ी का पीस खरीदा, ठीक है.
वॉट डिड ही मेक आउट ऑफ इट, उसने उसका क्या बनाया, ही मेड अ पपेट ऑफ इट, उसने उसका एक पपेट बनाया, ठीक है। नंबर 7, वॉट डिड ही कॉल हिज पपेट, वो अपने पपेट को क्या बोलता है, ही कॉल्ड हिम पिनोक्चियो, वो उसे क्या बोलता है, पिनोक्चियो, उसका नाम रखता है। वॉट डिड पिनोक्चियो से इन द एंड, एंड में पिनोक्चियो क्या बोलता है, इन द एंड पिनोक्चियो सैड आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, आई विल नेवर लाई अगेन, क्योंकि वो ना जो कारपेंटर होता है ना वो उसको कहाँ कहाँ भेज देता है, वो उसे स्कूल भी भेजता है, स्कूल में शरारतें करता है, लेकिन हाँ जब भी वो शरारतें करता था तो उसकी जो नाक थी वो बढ़ जाती थी, लंबी होती थी। तो एंड में बहुत डांटा है उसने पिनोक्चियो को बहुत कुछ, तो एंड में बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपने रियल इंसान बनाया और मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। सो ये हमारा वर्क हो गया, चैप्टर ख़त्म है, चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है मैं इसका आपको भेज दूँगी, ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।